ये कार्ट इतनी ज्यादा हाइजीन मेंटेन कर रखी है यहाँ पे, साफ सफाई बिल्कुल चकाचक है। भाई अच्छे तरीके से बटर लगा लगा के लोगों का मतलब क्या है, मलाई चाप स्वीट होती है, जबकि नहीं, मलाई चाप प्रॉपर स्वीट नहीं होती। थोड़ा सा जलता हुआ सांभर है, गर्मा गर्म, खुशबू आ रही है अपने देसी मसालों की। मेन सबसे बड़ी बात, सारे सीक्रेट मसालों का ही मेन होता है। तो भाई वो मेन्यू देख लीजिए, मतलब आपको दो चार मिनट तो देखने में लग जाएगा कि आपको लेना क्या है। बढ़िया लग रहा है। होते क्या है वो? ये फ्रूट्स के होते हैं। ये कौन सा? प्लेन डोसा। प्लेन डोसा, बहुत बढ़िया, पूरा टावर बना दिया आपने। हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडीज एंड। दोस्तों हम आ चुके हैं द्वारका सेक्टर 4। अब भाई हम आपको बहुत बढ़िया खाना दिखाने वाले हैं आज की वीडियोस में। आज का कंटेंट काफ़ी डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे हम आपको तंदूरी आइटम, साउथ इंडियन आइटम, कुछ पीने वीने का भी दिखाएंगे, तो आपको इस वीडियो में सच में मज़ा आ जाएगा, एंड तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे द्वारका सेक्टर 4 की मार्केट के जस्ट सामने हैं सरदार जी मलाई चाप वाले, इनकी आइटम्स के साथ शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। इसी लेन में एक बहुत ही कमाल का साउथ इंडियन हमें मिला यार, मतलब वैसे तो आपको डोसा वगैरह के वीडियोस हमारे चैनल पे दिखते रहेंगे, लेकिन उसका खाना इतना हाइजीनिक और इतना बढ़िया है, देखकर मजा आ जाएगा आपको। तो चलिए चलते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए गाइस, चलिए मेरे साथ। तो भाई वो मेन्यू देख लीजिए, मतलब आपको दो चार मिनट तो देखने में लग जाएगा कि आपको लेना क्या है। बहुत बड़ा मेन्यू है और काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़ है जो शायद कहीं और ना मिले। तो आज हमने ना आपके लिए तीन ऐसी वेराइटी मतलब ट्राई करने की सोची है जो हमने पहले कभी ट्राई नहीं करी है। उसमें से एक तो है लेमन मोमोज। अभी लेमन ग्रेवी मोमोज है, पहली बार मैं सुन रहा हूँ, और देखते हैं इसका फ्लेवर कैसा रहेगा। एक पाजी ने बताया कि इनका जो मलाई चाप है वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी जगह से। ऑल दो मलाई चाप बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, लेकिन ऐसा क्या डिफरेंट रहेगा वो बाकी जगह से, वो तो हमें देखना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है, हमने सोचा कि पनीर के आइटम भी होने चाहिए, तो मसाला पनीर रोल लेंगे। ये तीन आइटम हमने आपके लिए सिलेक्ट करी है, चलिए इनकी पूरी मेकिंग आपको दिखाते हैं और आपके मुँह में पानी लाते हैं। हाँ जी पाजी, सत श्री अकाल जी। पाजी अपना 8 ईयर ओल्ड अपनी काउंटर है जी, सरदार जी मलाई चाप वाले, द्वारका सेक्टर 4 में। भाजी अपना चाप में बहुत वैरायटी है अपने पास, और पनीर टिक्के में वैरायटी मिल जाएगी, मशरूम में है, तंदूरी मोमोज में बहुत वैरायटी है, जैसे कि अपना मशरूम में हो गया, और रोल्स बहुत है अपने पास, रोल्स की आइटम बहुत है, ग्रेवी आइटम है, टोटली जितनी मेन्यू में मेंशन है सारी की सारी अपने पास अवेलेबल है। जी आपने बताया कि यहाँ के मलाई चाप जो है वो बिल्कुल मसाले वाला फ्लेवर रहता है, बाकी जगह स्वीटनेस रहती है। हाँ जी, मलाई चाप का मैं आपको बता रहा था, मलाई चाप आपने कहीं पर भी ट्राई करो आप, मलाई चाप आपको, जबकि मलाई चाप में आपको हर जगह पे स्वीटनेस नज़र आएगी। लोगों का मतलब क्या है, मलाई चाप स्वीट होती है, जबकि नहीं, मलाई चाप प्रॉपर स्वीट नहीं होती, मलाई चाप हमारी मसालेदार रहती है, उसमें सारे टेस्ट आएंगे आपको, पूरा प्रॉपर मसालों का जो टेस्ट होता है ड्राई फ्रूट के साथ, प्रॉपर ड्राई फ्रूट के मसाले होते हैं हमारे। भाई ये ऊपर बटर लगा के पनीर के बहुत बढ़िया तरीके से बारबेक्यू करते हुए, और मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि आप यहाँ कोयले का यूज़ कर रहे हैं, मतलब आजकल तो वो इलेक्ट्रिक ओवन वगैरह भी चल रहा है। हाँ जी, बट सर उसमें टेस्ट नहीं आता, जो फ्लेवर चाहिए, जो फ्लेवर इसमें है वो उसमें मज़ा नहीं आता, पहली बात। सही बात, इसका टेस्ट ही अलग आएगा। तो ये पनीर टिक्का रोल बनेगा हमारा। हाँ जी, हाफ प्लेट में कितने, दो रोल लगते होंगे? हाफ प्लेट में दो रोल बनते हैं। दो रोल चलता रहे मैडम, हाफ प्लेट में दो रोल बनते हैं जी, बाकी कटिंग करके हम 2 के 4 कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि खाना ईजी हो जाए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, क्योंकि बड़ा रोल तो सब बहुत डिफिकल्ट हो जाता खाने के लिए। बारबेक्यू की खुशबू आ रही है, आप यकीन करोगे कि कुछ, पहले आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ, ये क्या क्या डाले पाजी को बता जाइएगा। हाँ जी सर, इसमें ये तो अपने सीक्रेट मसाले हो गए सारे। ठीक है, ठीक है जी। मेन सबसे बड़ी बात, सारे सीक्रेट मसालों का ही मेन होता है जी। अच्छा, ये अपनी अमूल क्रीम आ गई जी। हाँ जी, ये हमारी चिली सॉस आ गई जी, अपने घर की बना। हाँ जी, सेज़वान घर पे खुद जो तैयार करते हैं। सही है। एंड दिस वन पाजी मिंट सॉस जी, पुदीना मिंट सॉस, प्योर पुदीना मिंट सॉस जी। एक चीज़ है कि मैं कहने वाला रहा था कि जब आप यहाँ से गुजरेंगे ना, आपको स्पाइसेस का कोई फ्लेवर नहीं, यहाँ के बारबेक्यू का फ्लेवर आने वाला है, खुशबू आने वाली है, कुछ बिना डले भी आपका मन करेगा कि यार कुछ ट्राई करा जाए यहाँ पे। जो सर अपना ये बन रहा है हाफ, ये 140 का है जी। 140 का। हाँ जी, हाँ जी। और फुल इसमें, इसमें डबल फुल हो जाता है, उसमें बड़े 4 पीस रहते हैं रोल के बड़े, और 4 के कटिंग करके 8 हो जाते हैं। उसमें हमारा क्या होता है, जैसे 140 280 है, तो हम 250 पे करते हैं कस्टमर से, 30 लेस कर देते हैं फुल में। सही है, हाफ भी काफ़ी लग रहा है वैसे, मतलब दो रोल आ गए एक तरीके से। हाँ, उसके बाद अगर टेस्ट करना हो तो और एक दो चीज़ और लेके पेट भर सकते हैं आराम से।
सबसे मेन चीज़ जो इनमें होते हैं वो मैरिनेशन ही होती है अंदर की, जो इसके ऊपर जो मैरिनेशन हम घर से लगा के लेके आते हैं। हाँ जी। और प्लस जो यहाँ पे इसका मसाला जो डल रहा है ऊपर जी, या क्या बटर भाजी, बाकी बटर वगैरह सब अमूल वगैरह का ही रहता है, सारी चीज़ें क्वालिटी वाली रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्वालिटी तो पूरी प्रॉपर मेंटेन करी हुई है जी, पूरी प्रॉपर से, क्वालिटी के बिना काम ही नहीं है, टेस्ट ही तभी आएंगे जी। हाँ जी हाँ जी, अभी आप देखेंगे ये पूरा क्रिस्प करके देंगे आपको। अच्छा। पूरा प्रॉपर क्रिस्प करके देंगे। बिल्कुल, जैसे कि आप बहुत जगह पे आपने खाया होगा तो क्या कहते हैं, क्रिस्प नहीं करने देते। सही बात है। और पूरा ढंग से क्या होता है, बस हल्का सा बारबेक्यू पे रखा और गर्म करके दे दिया। हाँ। ये पूरा फुल क्रिस्प होगा ये पूरा। तो ये स्टार्ट सर आप ही ने करा था या आपसे पहले किसी और, कोई और थे? नहीं, ये मैंने खुद ने स्टार्ट करा। हाँ जी, तो दोस्तों हमारे सामने पहले हमने लिया है इनका मसाला पनीर टिक्का रोल, हाफ है लेकिन यार ये क्वांटिटी बहुत बढ़िया लग रही है, लग रहा है कि एक जने का पेट तो आराम से भर सकता है इसमें। 140 रुपीज़ इसका प्राइस है। और साथ में हमें क्या क्या मिला है, प्याज के ऊपर मसाला गार्निशिंग विद कोरिएंडर, और साथ में हमें चटनी मिली है ज़्यादा स्पाइसी, क्रीमी और थोड़ी मिडकी। तो तीनों का मिक्स आपको, जो अगर स्पाइसी करना है तो आप इसका यूज़ करिए, अगर आपको सॉफ्ट रखना है तो क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। और रोल बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो चुका है, पनीर की फिलिंग है अंदर। आइए ज़रा ट्राई करें, शुरुआत करते हैं मैं ग्रीन चटनी के साथ। सुपर क्रिस्पी और अंदर से उतना ही सॉफ्ट है, फिलिंग बहुत बढ़िया पनीर की, मज़ा आ रहा खाने में, हैवी इतना ज़्यादा नहीं लग रहा। अपना कमाल का पनीर रोल, और वो भी इतना क्रिस्पी और अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और सबसे बड़ी बात, पनीर रोल ना बहुत हैवी हो जाता है कई बार खाने में, ऐसा लग रहा है कि बहुत आराम से डाइजेस्ट होगा। ग्रीन जो इनकी मिंट चटनी है मज़ेदार, बिल्कुल रिफ्रेश कर देगी आपको, बहुत अमेजिंग। तो मेरे हिसाब से 140 रुपीज़ में बहुत बढ़िया है ये रोल, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो भाई 70+ आइटम्स आपको मिलने वाले कार्ट के अंदर, आप देखेंगे टिक्का लगे हुए हैं यहाँ पे, मशरूम भी है, पनीर भी है, चाप भी है, मोमोज भी है। तो इतनी वैरायटी जो है ना स्ट्रीट साइड में हमें कम दिखती है, दुकानों में आपको फिर भी दिख जाएगी। और ये मोमोज है, हाफ प्लेट है, ठीक है। हाँ जी, तो लेमन ग्रेवी मोमोज में आपका पनीर, ये पनीर वाले ही लेमन ग्रेवी मोमोज में हो रहे हैं? अच्छा, पनीर वाली हो। हाँ, पनीर वाले ही हो रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप वेज। अच्छा, वेज में भी हो सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और भाई अच्छे तरीके से बटर लगा लगा के पैन चलाते हैं, बढ़िया तरीके से बारबेक्यू करते हैं। सारी तंदूरी आइटम आपको यहाँ मिल जाएंगी, एंड द बेस्ट पार्ट इज प्योर वेजिटेरियन है आउटलेट। बाकी यहाँ पे भी कैसे है, कस्टमर की ऑन डिमांड भी बन जाती है चीज़, जैसे कस्टमर कहता है भी हम मसाला कम खाते हैं, लाइट खाते हैं, या हमें स्पाइसी चाहिए या हमें मीडियम चाहिए, तो वैसे भी तैयार हो जाती है ये। डाइट वाला भी बनता है यहाँ पे, जिम वाले आते हैं उनके लिए क्या होता है, डाइट वाला सिस्टम बनता है पूरा प्रॉपर। अच्छा, तो भाई मलाई चाप हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से बारबेक्यू हो चुका है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या डलता है। तो पहले आ गए प्याज, उसके बाद क्रीम, साथ में इनका मसाला। जी भाई, बीजी का रिव्यू लो हमारे। अच्छा, हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं जी। ज़रूर ज़रूर, बस एक सेकंड बाजी, इधर ही आते हैं। बढ़िया, इसके अंदर पहले आगे प्याज, शेजवान, क्रीम, मसाला। और सच में इनका सीक्रेट मसाला यार क्रीम में भी बहुत कमाल कर रहा था, धनिया। एक फुल पनीर टिक्का दियो बेटा, एक फुल पनीर टिक्का दे दियो। ऊपर से आ गया बटर, तो भाई सच में यार ये आइटम्स इतने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, आप खुद देखिए एक बार ही, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। मलाई चाप मतलब क्रीम में बिल्कुल डूबी हुई हैं, और साथ में ये मोमोज, ओए होए क्या प्रेजेंटेशन है यार, मतलब धनिया का इससे बढ़िया यूज़ नहीं हो सकता। साथ में चटनी, प्याज, तीनों चटनी है यहाँ पे, क्रीम और चटनी, मतलब मेयोनीज का काम क्रीम से हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहले लेंगे इनका मलाई चाप, बिना क्रीम के ट्राई करते हैं।
सॉरी चलो चटनी का यूज़ करता है सर, चटनी और प्याज के साथ। कमाल यार, इतनी क्रीमी, इतनी सॉफ्ट, अमेजिंग चाप। चाप की क्वालिटी इतनी बढ़िया लग रही है, क्या बताऊँगा आपको यार, सच में वन ऑफ द बेस्ट। बहुत जगह मैंने मलाई चाप खाई है, हर जगह ट्राई भी करता हूँ, बट ये वन ऑफ द बेस्ट है। सरदार जी छा गए पूरे, आपको आना चाहिए भाई यहाँ पे। इन्होंने ये बता दिया कि मलाई चाप बेशक आपको हर जगह मिल जाए, लेकिन जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ना, वो कितना बड़ा इम्पैक्ट देते हैं, क्वालिटी से कितना फ़र्क पड़ जाता है। फिर आते हैं सर मोमोज पे, ये भी मुझे बहुत ही बड़े लग रहे हैं, बड़ा पीस है, दो बाइट में लेना पड़ेगा। हल्का सा आपको नींबू का फ्लेवर आएगा, साथ में मसाला का फ्लेवर है, जो इनका जो सीक्रेट मसाला बोलते हैं उनका फ्लेवर है। चाप के फैन है तो यहाँ तो आना आपको बनता ही है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप बहुत दूर से भी आए ना, तो भी आपको आना यहाँ वेस्ट नहीं जाएगा। सुपर, तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश वड़ा यहाँ बनते रहते हैं, दाल वड़ा है, और आप देखेंगे बिल्कुल करारे हो चुके हैं दोस्तों। ये कार्ट इतनी ज़्यादा हाइजीन मेंटेन कर रखी है यहाँ पे, साफ़ सफाई बिल्कुल चकाचक है, बहुत बढ़िया। और तेल भी बिल्कुल साफ़ है, मैं बताऊँ आपको, कढ़ाई लोहे की काली है, लेकिन तेल जो है बिल्कुल फ्रेश यूज़ कर रहे थे, साफ़ तेल है, वो आपको दिख जाएगा जब ये थोड़ा सा चम्मच पे तेल बैठ रहा होगा। ये बैटर में दाल बड़े का उड़द की दाल रहती है, और क्या क्या रहता है इसमें? बस उड़द की दाल है। अच्छा, ये मुझे शायद कड़ी पत्ता वगैरह भी दिख रहा है अंदर। उड़द की दाल होता है, अदरक मिर्ची, अदरक होता है, हरी मिर्च होता है, कड़ी पत्ता होता है। ये वाला हमारा नॉर्मल वाला, ये सांभर वड़ा, मेदू वड़ा है। हाँ, मेदू वड़ा है। और दूसरा जो दाल वड़ा रहता है वो दाल वड़ा चने की दाल, चने की दाल रहती है, इसमें उड़द की दाल। कितना टाइम हुआ भैया यहाँ पे चलाते हुए? हम 3:30 बजे चला करते हैं। 3:30? नहीं, कितने सालों से यहाँ पे लगा रहे, कितना टाइम से? 10-12 साल हो गए आपको यहाँ पे। बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा आपकी टीम वहीं से ही है, साउथ से ही, साउथ इंडियन है सारा। आपके वहीं से, चेन्नई या फिर वहीं के आसपास से? मदुरई से। मदुरई से। बहुत साफ सफाई आपने मेंटेन कर रखी है ना, हर जगह ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई सामान इधर का उधर पड़ा हो। ये बड़े आप बना के रख देते हैं अंकल जी, उसके बाद यहाँ पे दो तरीके से आप ले सकते हैं, चाहे आप डिप करवा के ले सकते हैं जो सांभर में, या सेपरेट ले सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश इडली बनती है, ये नहीं कि बना के लाए स्टीमर में रख दिया, यहीं पे बन रही है इडली। ख़त्म होती रहती है तो क्या और बनाते हैं इडली? इडली और बनती है यहाँ पे? बनता है, इसी में बनता है। अभी ख़त्म हो जाएगी जैसे, तो फिर दोबारा बनेगा, इसी के अंदर ही बनेगा। हाँ जी, आप बैटर तैयार करेंगे और वो ऊपर जम जाएगा। सांभर भी बहुत बढ़िया लग रहा है, गर्मा गर्म, बिल्कुल खुशबू आ रही है अपने देसी मसालों की, और ऊपर से आपको कड़ी पत्ता और सारे बाकी छोटे मोटे मसाले के ऊपर दिख रहा होगा। ये टमाटर वाली चटनी है? ये टमाटर वाली है, ये नारियल वाली है। अच्छा, तो वो नारियल वाली भी दिखाई, ये तो हम सबकी फेवरेट है भाई, नारियल की चटनी, और अंदर बर्फ भी दिख रही है, यानी ठंडी ठंडी चटनी सर्व हो रही होगी, और साथ में वड़े तैयार होकर निकल रहे हैं। साइज़ बहुत बढ़िया लग रहा है, छोटा साइज़, और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि मतलब कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंट है काफ़ी, जो पका आप देखोगे बराबर का क्रिस्पीनेस दिख रहा है। मुझे एक बार रेट भी बताइए सर, सांभर डोसा कितने से शुरुआत है यहाँ पर? 80 रुपीज़ से। सिंपल मसाला डोसा, सिंपल मसाला 80 रुपीज़ का है। हाँ, पनीर डोसा जो है 130 का है। हाँ, और ऑनियन मसाला 100 का। सबसे महंगा वाला कौन सा है? 130 वाला पड़ेगा। और सांभर और ये वड़ा और इडली का क्या रेट है? 60 दो दो पीस रहेंगे एक प्लीज। हाँ, दाल वड़ा और एक मेन्दू वड़ा, ठीक है, और साथ में आ गया गर्मा गर्म सांभर। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई हमने अपनी प्लेट लगवाई है, जिसमें हमने सिंगल पीस इडली, सिंगल वड़ा, मेंदू वड़ा और एक सिंगल दाल वड़ा, 30-30 रुपीज़ के पीस आपको पड़ेंगे। देखो ये है हाइजीन वाला फूड, सच में यार। मैंने स्ट्रीट फूड में इतनी जगह डोसा की वीडियो बनाई है, बट इतना मेंटेन्ड है हर जगह, कुछ भी ऐसा पड़ा नहीं हुआ, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। प्लेट भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ा सा मैं कहूँगा प्रैक्टिकल वाली प्लेट है। सांभर ज़्यादा होता है हर जगह पे और चटनी कम होती है, लेकिन यार हम सब ना ज़्यादातर सांभर तो दूसरी बार नहीं डलवाते, लेकिन चटनी ज़रूर डलवाते हैं, तो इन्होंने चटनी ज़्यादा डाली है। अच्छा, उत्तपम वीडियो ले लीजिए। अच्छा अच्छा, ये उत्तपम है, ये कौन से वाला है? ये मिक्स उत्तपम है। मिक्स उत्तपम है, गाजर बीन्स प्याज। गाजर बीन्स प्याज, ठीक है। तो इसकी भी अभी हम वीडियो बनाते हैं, तो उसको दोबारा दिखाएंगे हम एक बार और ट्राई भी करेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं, सांभर हमारे लिए भैया ने खुद ही लगा दिया।
शुरुआत करेंगे मेंदू वड़ा से। क्रिस्पी, ओ भाई गर्म है थोड़ा पर बहुत क्रिस्पी लग रहा है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है यार, है ना, जैसा कि एक मेंदू वड़ा होना चाहिए। शुरुआत करेंगे अपनी फेवरेट चटनी के साथ, कंसिस्टेंसी परफेक्ट, ना ज़्यादा पानी ना ज़्यादा गाढ़ी। जो कुरकुरापन हल्का सा पतला सा है ऊपर, उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है अंदर। ज़्यादातर हम वाइट वाली चटनी पे ही फोकस करते हैं क्योंकि वही ऐसा होता है, डोसा वालों को भी पता है कि हमारी वाइट चटनी ही ज़्यादा बिकती है, तो वो बाकी चटनी पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। बट ये टमाटर की चटनी अच्छी है, काफ़ी हल्का सा स्वीटनेस है पर बहुत टेस्टी है, गर्मा गर्म और सॉफ्ट है यार, बहुत बढ़िया। बहुत बड़े दोनों ही चटनी। अब सांभर पे आते हैं, थोड़ा सा जलता हुआ सांभर है, गर्मा गर्म। ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड खाना है, इस जगह आ जाओ आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले, और लिटरली आप दोबारा आओगे और वीडियो पे कमेंट करोगे कि ऋषभ भाई सच में जगह बहुत बढ़िया थी जो आपने रिकमेंड करी है। करारा बिल्कुल, ओह हो बढ़िया यार, अमेजिंग, कमाल का, बहुत क्रिस्पी कुरकुरा। बहुत कम जगह होती है जहाँ पे हर चटनी हर चीज़ पे इतना ध्यान दिया गया हो। अब एक काम करते हैं, उत्तपम लेते हैं और उत्तपम आप टेस्ट करके बताते हैं, आइए। तो भाई यहाँ पर हमारा उत्तपम बनेगा, गाजर बीन्स प्याज, सही है, मिक्स उत्तम, ये मसाला आ गया, ठीक है। अच्छा कौन सा मसाला? ये मसाला है उत्तम का मसाला। अच्छा उत्तम का बेटर, ठीक है जी। हाँ जी, ये आ गया आपका प्याज, गाजर बीन्स, बहुत सही क्वांटिटी में यार, भर भर के डालते हैं आप तो पूरा। ये किस नाम से सर यहाँ पे डोसा की जो दुकान है आपकी, किस नाम से चलती है ये? अमल राज, अमल राज, अमल राज डोसा, अमन राय, ये पलट गया जी उत्तम। हाँ बढ़िया, और भैया ने बताया जैसे कि अगर हम पहले आते हैं यहाँ पे तो केले का पत्ता भी स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, तो हम इनको बताएंगे तो नेक्स्ट टाइम। चीज़ हम देते हैं ना, जैसे भी मतलब पनीर डोसा, मसाला डोसा, ओनियन मसाला डोसा, ओनियन उत्तम, मिक्स उत्तम, पनीर उत्तम, सब चीज़ दे। बढ़िया, तो अगली बार मैं केले के पत्ते पे खाऊंगा आपके पास। बिल्कुल बेशक, ठीक है, बेफिक्र रहिए आप, फर्स्ट कॉल कीजिएगा आप एक बार। हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली क्या सर मुझे पता नहीं था आपकी दुकान के बारे में, मैं तो यहाँ चलते फिरते ढूंढ रहा था कि क्या बढ़िया खाने की चीज़ है, मैंने देखा इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे आप वड़ा बना रहे हैं। शायद आपको मैंने जो है ना स्वामी डोसा बन सकते पाँच में गए कभी, लवली चौक, हाँ 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 मैं देखा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा सर जी को भी देखा। अच्छा तो आप क्या वहाँ काम करते थे पहले? अच्छा बढ़िया। तो दोस्तों हमारे सामने उत्तपम भी आ चुका है, हमने अनियन मतलब मिक्स ही उत्तपम है, देखा जाए तो तीन चार सब्जियां थी इसमें, अनियन हो गया, कैरेट हो गया, बीन्स हो गया, गर्मा गर्म बिल्कुल, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। इनकी चटनी सांभर का तो मैं दीवाना हो गया, और सच में मैं ना वाइट चटनी के बाद दूसरी चटनी को इतनी वैल्यू देता नहीं था, मतलब खाता हूं तो मुझे वाइट चटनी इतनी ज़्यादा पसंद है, बट यहाँ की रेड चटनी बहुत ही कमाल है यार, सच में आपको ट्राई करनी चाहिए। इन्होंने दोनों चटनियों पर बहुत ज़्यादा बढ़िया ध्यान दिया है। हल्की सी स्वीटनेस के साथ जो लग रही है ना चटनी, उत्तपम में इनका बहुत सॉफ्ट है, उतना थिक नहीं है जितना बाकी जगह होता है, पतले में ही काफ़ी सॉफ्ट है, बढ़िया लग रहा है। आपको यहाँ आना चाहिए, मुझे लगता है कि डोसा भी इनका बहुत अच्छा होगा अगर आप डोसा खाने के लिए आ पाए तो। एड्रेस पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, तो वेट किस बात का, गर्मा गर्म खाना खाना है, फ्रेश खाना है, तो आपको यही आना चाहिए। अच्छा है, दुकान का नाम अमर राय के नाम से है, अमर राय डोसा सेंटर के नाम से चलता है, कोई बोर्ड नहीं है पर यहाँ पे। तो भाई रामफल चौक में हमें एक बहुत ही अलग चीज़ दिखी है, बोबा ड्रिंक्स। अभी क्या होता है, ये कोरियन ड्रिंक्स है ऊपर इन्होंने शायद लिखा हुआ है, अब जाकर देखते हैं एक्चुअली है क्या। भैया क्या है ये बोबा ड्रिंक? बोबा ड्रिंक्स होती है
है ये हमारी ड्रिंक के अंदर जाती है, फिर ये पॉप होती है एंड उनके अंदर से फ्लेवर आता है। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स के हमारे पास पोपाज है। अच्छा, एक बार दिखाएंगे सर कौन कौन से फ्लेवर आपके पास होते क्या है? पोपाज ये फ्रूट्स के होते हैं, फ्रूट्स के पोपाज होते हैं, पॉप होते हैं तो अंदर से फ्लेवर निकलता है, पॉप होते हैं आपकी ड्रिंक के अंदर जाते हैं देन पॉप होते हैं मुंह के अंदर, फिर फ्लेवर आता है इसके अंदर। ये वाले क्रैनबेरी था, ये क्रैनबेरी है। हाँ, पीच, ओके, ग्रीन एप्पल, ब्लूबेरी, ओके, एंड ये कोकोनट जेलीज है। और फ्लेवर्स आपके पास कौन कौन से हैं? फ्लेवर्स ये बोबास के फ्लेवर्स हैं एंड ड्रिंक्स जो है हमारे पास दो सोडा बेस होगी और दो जूस बेस है। हाँ, जिसमें से एक पैशन फ्रूट एंड पीच है। okay, और एक पाइन एप्पल एंड ब्लूबेरी है। ठीक है, आपकी बेस्ट आपने बताई थी स्टार शबल है जो आपकी फ्रूट बेस्ड बेस्ट है। yes, जूस बेस्ड है, एक वो बना दीजिए। इसके अंदर आप करते हैं सारे फ्लेवर्स के वो बहुत जाते हैं तो वो पल्स टॉफी आती है वो फूटने के बाद अलग फ्लेवर देती है, वैसे कुछ है क्या? नहीं वैसे कुछ नहीं, ये पॉप होती है जैसे आपने दूसरी वाली खाई होगी तो ये पॉपिंग हुआ है। अच्छा, ये पैशन फ्रूट एंड पीच का जूस है। परफेक्ट है, कुछ डिफरेंट ही लग रहा है, ग्लास भी बहुत बड़े क्वालिटी का है। तो चले भाई, हमने दो बोबा ले लिए, ले तो एक ही है बट हमने क्या है हाफ ऑफ कर लिए, 20 रुपीज़ का एक एक्स्ट्रा ग्लास पड़ा है। लेट्स ट्राई, कैसा लगता है? मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ बैलून से हैं हवा वाले अंदर, फ्लेवर वाले, चबाओगे तो फट जाएंगे। टेस्टी लग रहा है पर यार, तो फ्लेवर्स तो सच में अमेजिंग है यार, और ये मिक्स फ्रूट की तरह फ्लेवर आ रहा है इसका, बट है बहुत बढ़िया। बट आई थिंक 145 रुपीज़ है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है देखा जाए स्ट्रीट फूड के हिसाब से। बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगी, मिक्स फ्रूट फ्लेवर, बीच में थोड़ी जेली वाला पार्ट भी आ रहा है, वो वाला टेस्ट आएगा इसका। ठीक है, ये ग्लास की क्वालिटी अच्छी है, आप इसको संभाल सकते हैं।